हम लोग आज काम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डाउट आप लोग का है 44 नंबर, ठीक है, ध्यान रखिए। क्वेश्चन बहुत बड़ा तो नहीं है, क्वेश्चन नंबर है, लिखा भी है, वाइल बोर्डिंग एंड एरोप्लेन। बोर्डिंग मतलब क्या होता है, चढ़ना। आप देखते होंगे ट्रेन का जब टिकट काटते हैं तो लिखाता है बोर्डिंग एट, कहां किस प्लेटफॉर्म पे आप चढ़िएगा, किस स्टेशन पे चढ़िएगा। वाइल बोर्डिंग एन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन पर कोई व्यक्ति अगर बोर्डिंग कर रहा है, चढ़ रहा है, एक पैसेंजर गॉट हर्ट, तो एक पैसेंजर को चोट लग गई, मींस वो चोटिल हो गया। द पायलट शोइंग प्रॉम्प्टनेस एंड कंसर्ट। प्रॉम्प्टनेस मतलब क्या होता है, सहानुभूति, और कंसर्न मतलब चिंता दिखाया अपना, मतलब कि जो पायलट था वो उस पर सहानुभूति के रूप में चिंता व्यक्त किया और एक अरेंजमेंट बनाया, मतलब एक विचार उसके मन में आया टू हॉस्पिटलाइज द इंजर्ड। उस इंजर्ड पर्सन को कहां क्या करना, हॉस्पिटलाइज करना, कौन ऐसा सोचा पायलट। फिर कह रहा सो द प्लेन स्टार्टेड लेट बाय 30 मिनट। पायलट ही उसको लेके जाएगा हॉस्पिटल, लेट नहीं रही 30 मिनट। पायलट ने क्या कर दिया, लेट से 30 मिनट लेट से उसने पायलट को शुरू किया, पायलट करते हैं लेट को शुरू किया, ठीक है। फिर कहा टू रीच द डेस्टिनेशन, मतलब जो लक्ष्य था उसका पहुंचने का, उसे कहते डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन उसका कितना किलोमीटर दूर था, 1500 किलोमीटर दूर था, तो शुरू किया ध्यान से, मतलब कि वो ध्यान दो क्या हो, ए पॉइंट से पायलट को उड़ान भरना था टी टाइम पर, मान 9 बजे भरना था, 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना था, किस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए। लेकिन उसमें एक व्यक्ति जो चोटिल हो गया, इंजोर्ड हो गया, उसको हॉस्पिटलाइज करने के फेरा में उसे अपना पायलट अपना उड़ान था वो 30 मिनट लेट से चालू किया, मतलब 9 बजे चालू करना था उसको, बट 9 बजे से कितना चालू किया, 30 मिनट यहां लेट से पहुंचेगी। लेकिन उसने पूछा गया क्वेश्चन में कि वो अपने स्पीड को अगर क्या कर दे, 100 kmph बढ़ा दे, मतलब मान लो अगर शुरुआत में अगर एक्चुअल टाइम पर ही वो शुरू होता, कौन अगर एक्चुअल अपने ही टाइम पर शुरू होता उसका उड़ान एरोप्लेन, तो वो किस स्पीड से मान लो चलता, एक्स के एमपीएस से चल रहा था, 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना था। लेकिन जब इंजर्ड कोई पर्सन हो गया तो उसे 30 मिनट लेट से वो शुरू किया और उतना ही समय में पहुंचने के लिए उसने अपने स्पीड को कितना बढ़ा दिया, 100 किलोमीटर अपने स्पीड को उसने बढ़ा दिया उतना ही टाइम पर पहुंचने के लिए, ठीक है, मतलब सेम टाइम में पहुंचने के लिए उसे अपने स्पीड को 100 kmph करना पड़ा। मान लो हम घर से निकले स्कूल के लिए, घर से निकले 8:15 में, स्कूल हम लोग 8 बजे पहुंच गया, बट ऐसे में मैं भी ऐसा ही पूछा, 8:15 निकलता हूँ, 8:30 में स्कूल पहुंच जाता हूँ, किसी दिन 2 रोटी अधिक खाने के पैर में 8:25 मामलो हो गया, ठीक है, वहां पहुंचना हमको है, क्या करेंगे, ऑटो वाला नहीं चलेगी गाड़ी, नहीं चलाएगा, फास्ट चलाएगा तब उतना ही टाइम पहुंच पाएगा ना। चलिए अब वही काम यहाँ भी होगा, तो पायलट क्या किया, अपने स्पीड को बढ़ा दिया, कितना kmph, 100 kmph बढ़ा दिया, अभी उसका स्पीड एक्स था, कितना हो गया, एक्स प्लस 100 kmph अपना स्पीड वो कर लिया बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए। तो क्वेश्चन है कि उसका और उतना स्पीड क्या है प्लेन का, मतलब एक्स निकालना है, यहाँ कौन चीज सेम है, डिस्टेंस सेम है और टाइम सेम लिया, नहीं टाइम सेम लिया, अरे आधा घंटा लेट शुरू किया बट पहुंचा उतना ही टाइम में जितना भी पहुंचना चाहिए था, मतलब क्या हुआ, टाइम सेम नहीं हुआ, ये इससे आधा घंटा कम लिया ना, अरे ये फास्ट चला, लेट से शुरू किया फिर भी टाइम पहुंच गया, नहीं 9 बजे शुरू किया, ये 9 बजे शुरू करता तो 12 बजे पहुंचता, बट ये 30 मिनट लेट शुरू किया ना, 9:30 में शुरू किया तब पढ़ने कितना पहुंचा, 12 पहुंच गया,
इसको पहुंचने में लगा 3 घंटा, इसको 2.5 घंटा में पहुंचा दीजिए। क्यों? फर्स्ट ईयर कर्म। इसका मतलब जो आपका हॉस्पिटलाइज करने के बाद का टाइम था, इस टाइम टेकन टू रीच डेस्टिनेशन आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ व्हाट इंजर्ड पर्सन इज, ये टाइम जो है 30 मिनट क्या है, कम लिया ना, कम लिया 30 मिनट, इसमें अगर हम जोड़ देंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा एक्चुअल टाइम का, नहीं नहीं होगा, ये 30 मिनट कम लिया ऐसे ना, और इस टाइम में 30 जोड़ देंगे मिनट, 30 मिनट जोड़ देंगे तो वो एक्चुअल टाइम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस टाइम का वाला फॉर्मूला क्या होगा, टाइम का फॉर्मूला सब पढ़े हो, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना है 1500, स्पीड कितना है एक्स प्लस 100, सही है, प्लस 30 मिनट, 30 मिनट को आवर में चेंज कर ले, मिनट को आवर में चेंज 60 से भगा दिए, एक्चुअल टाइम कितना होगा डिस्टेंस बाय कितना स्पीड, मीन्स इसको कहोगे सर 1500 बाय एक्स प्लस 100, 1500 एक्स बाय एक्स माइनस 1500 बाय एक्स प्लस 100 इक्वल टू 1/2 आएगा, सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लोगे, ये उस तरफ चला गया माइनस, ये करना है ना, अच्छा और बोलो कौन सा नहीं बना, अच्छा सब नोट पे लिख कीजिए इसको, एक मिनट, हो गया ना, ये क्वेश्चन सॉल्व करना इस तरह से ही है, इसको हम फिर से बोल दें एक बार, क्या फिर से बोले एक बार, क्या सब नोट कर, वीडियो देख लो भी बन गया, ऐसे भी वीडियो उसको बनाने का आज ही मिक्सर से क्वेश्चन को कर देते, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एनसीईआरटी एग्जामिनर का अच्छा क्वेश्चन ये भी है, तब ध्यान दोगे इस पर, देखो एट मिनट पास 2 PM द टाइम नीडेड बाय द मिनट, ध्यान दोगे शांत रहोगे, क्वेश्चन में कहा गया है 3 मिनट पास 2 PM टाइम नीडेड 2 मिनट हैंड एंड क्लॉक टू शो 3 PM वाज फाउंड टू बी 3 मिनट विद 3 मिनट लेस देन टी स्क्वायर बाय 4 मिनट, ध्यान से पहले क्वेश्चन समझोगे, अच्छा टी मिनट पास 2 PM का मतलब क्या हो गया, 2 बज करके टी मिनट नहीं हो गया, अरे टी मिनट पास 2 PM का मतलब 2 बज करके टी मिनट, 15 मिनट पास 2 PM 2:15 हुआ कि नहीं, 15 मिनट पास 2 PM 2 बज करके 15 मिनट हुआ, तो यहां पर टी मिनट पास 2 PM का मतलब क्या हो गया, 2 बज करके टी मिनट, ठीक है, ये इसका मतलब हुआ, इसने आपको भी फिर कहा गया टी मिनट पास 2 PM 2 बज करके 15 मिनट के बाद कह रहा है टाइम नीडेड बाय मिनट हैंड एंड क्लॉक टू शो 3 PM तीन मिनट बीत चुका है 2 बज करके, तो 3 बजने में मिनट हैंड ने
जो समय लिया वो कितना लिया, वो 3 मिनट कम लिया किससे, टी स्क्वायर बाय 4 मिनट। क्वेश्चन को ध्यान से लोग बन, ये मान लो घड़ी है, यहां 12 है, ये 1, ये 2 और ये क्या होता है 3, मतलब मान लो अभी कितना बजा है, 2 बज रहा है ना, अभी कितना बज रहा है, 2 बज रहा है, ये कितना है 3, 2 और 3 के बीच गैप कितने घंटे का है, 1 आवर का है, 1 आवर मतलब 60 मिनट गैप, कह रहा है कि 2 बज करके 3 मिनट हो चुका है, मतलब ये कितना मान लो कट ऑफ हो जाए तक, यहां पहुंचा हो, और ये 2 बजे का ये कितना होगा, 2 बज करके 3 मिनट का हो, अब कह रहा 2 बज करके 3 मिनट हो चुका है, अब 3 बजने में, अब 3 बजने में यहां यहां से यहां आने में उसे कितना समय लेना पड़ा, 3 मिनट कम लिया है किससे, टी स्क्वायर बाय 4 माइनस 3 कर देंगे, मतलब 2 बज करके 3 मिनट हो चुका है, अब 3 बजने में टाइम कितना अधिक लिया वो, टी स्क्वायर बाय 4 माइनस 3 नहीं 3 मिनट कम लिया है किससे, इसे लिया ना टी स्क्वायर बाय 4 माइनस 3 कर देंगे, इसका मतलब बोलो ये पूरा गैप कितने मिनट का हो गया, 60 मिनट का, यहां से यहां तक कितना मिनट, 3 मिनट, ठीक है, यहां से यहां 3 मिनट, यहां से यहां कितना हो गया, टी स्क्वायर बाय 4 माइनस 3 सही है, इस दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 60 मिनट नहीं आएगा, यहां से यहां 3 मिनट, अब 3 बजने में टाइम कितना दी गया, वो टी स्क्वायर बाय 4 से 3 मिनट कम लिया, कितना टाइम लिया, इस दोनों को जोड़ेंगे 60 मिनट लेगा ना, 60 हो गया, बुरा टी रह गया, टी स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू कितना हो गया, 63 सही है, एलसीएम कितना होगा इसका, 4 कितना आएगा, ये 40 प्लस टी स्क्वायर इक्वल 63 सॉल्व कर लेंगे, टी स्क्वायर प्लस 40 इक्वल कितना होगा, 4 3 12 4 3 12 24 25 मिस्ट्री स्क्वायर प्लस 40 माइनस 252 इक्वल टू 0 सॉल्व कर लेंगे उसको, बराबर है, कोई दिक्कत समझने में बोलो किसी को, 2 बज करके 3 मिनट हो चुका है, अब कह रहा है 3 बजने में मिनट हैंड कितना टाइम लिया, टी स्क्वायर बाय 4 से 3 मिनट कम लिया, ये लिया तो टी आपका बच चुका है, मतलब ये गैप टी का ये कितना है, कितना जोड़ेंगे कितना आएगा, 60 मिनट, आंसर भी आपका किसमें आएगा, 60 मिनट आंसर भी मिनट में ही आएगा, आंसर भी मिनट में ही आएगा, क्योंकि आपने यहां पर इसको मिनट में लिया है, ये मिनट में है, इसका मतलब ये मिनट में होगा, ये मिनट में, ठीक है, एक बार रिमाइंड कर रहे हैं सभी ध्यान दोगे, फिर से रिमाइंड कर रहा हूं, देखो जब भी आप अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का कंसेप्ट आए, क्वेश्चन आए, आपको पढ़ाए थे, ये पानी है, यहां भी पानी है, मान लो सपोज करो कोई नाव है, अगर नाव का दिशा पानी के दिशा में है, इस फिगर को क्या कहते हैं, डाउनस्ट्रीम, अगर नाव का दिशा पानी के जस्ट अपोजिट है तो क्या कहते हैं इसको, अपस्ट्रीम, ठीक है, अप में आपका अपोज करेगा, डाउन में सपोर्ट करेगा, सपोर्ट मतलब इसका स्पीड को बढ़ा देगा, हम लोग एक मानते हैं किसका स्पीड, हर क्वेश्चन में एक होगा आपका, शांत पानी में नाव का स्पीड, मतलब नाव का खुद का स्पीड, कोई सपोर्ट नहीं करता है, ये हुआ नाव का खुद का स्पीड शांत पानी में, ये हुआ पानी का स्पीड, मतलब जो धार पानी बह रही है उसका स्पीड, दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि नाव का सपोर्ट कर रहा है पानी, एक्स प्लस वाई क्या देगा आपको, एक्स प्लस वाई देगा डाउनस्ट्रीम स्पीड, तो यहां पर ये कितना है, x के mph, ये कितना है y के mph, x माइनस y क्या देगा, x माइनस y तुमको देगा स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, इंफॉर्मेशन, डाउन में आप नाव के स्पीड को पानी के स्पीड जोड़ दीजिएगा, अप में चलिए अब क्वेश्चन पाइए, अभी परमिट हुआ था, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां काम करें, देखो एक मोटर बोट है जिसका स्पीड स्टील वाटर में कितना दिया हुआ, 18 kmph, मतलब क्या थ्रो क्या x की वाई है, x स्टील वाटर में नाव का स्पीड x, ये कितना है x, ये 18, ये कितना हो गया, सही है, x हमेशा आगे होगा, मींस नाव का स्पीड आगे होगा, अगर नाव का स्पीड पीछे हो गए तो
पानी ही उसको ना बोले जाएगा। चलिए कर लिया पर यह सिंपल सा फॉर्मेट बन गया। वही अगर लीनियर इक्वेशन में रहता टू वेरिएबल तो वहां पर एक्स वाई रहता, वहां एक्स को दो निकालना पड़ता। क्वेश्चन पाइएगा, मतलब कि कहा गया है कि एक मोटर बोट ने एक घंटा अधिक लिया, इस टाइम को लिया है, एक घंटा अधिक लिया कब, जब 24 किलोमीटर आप स्ट्रीम गया और वापस उसी रास्ते में लौट गया, गया भी 24 मतलब आया भी 24 हो देखा ना, रिटर्न थ्रू सेम स्पॉट का मतलब क्या, गया भी 24 आया भी 24। अब ध्यान रखना, मिस टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम इज और टाइम टेकन डाउनस्ट्रीम, दोनों में कौन बड़ा है, अप में उसका स्पीड कम है ना, स्पीड कम तो टाइम ज्यादा लेगा। ऐसे क्वेश्चन पढ़ लोगे, टेक्स वन आवर मोर, एक घंटा अधिक लिया कहां जाने में, 24 किलोमीटर पर स्पीड जाने में, अप में एक घंटा अधिक लिया बड़ा है ये, इससे बड़ा तो एक कहां जोड़े बड़ा पड़िए हो गया, वही फॉर्मेट हर जगह बनाया यार, टाइम और डिस्टेंस का क्वेश्चन हर जगह किए हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किए, टाइम जो था वो 30 मिनट गैप था, ये था टी प्रेजेंट को जोड़ने के बाद टी एक्चुअल टाइम में 30 जान लो ना, वहां जहां भी कहे कि इतना मिनट अधिक लिया, इतना मिनट कम लिया, इतना आवर कम लिया, समझ जाओ कि कंपेयर कर रहा उसको, उसी को फॉर्मेट नाम चलना आपको, टाइम इन अपस्ट्रीम, टाइम होना क्या पड़े हो, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना है 24, अप में स्पीड कितना लिया है 18 माइनस सही है इक्वल टू, डाउनस्ट्रीम में 20 बाय कितना 18 प्लस y इक्वल टू प्लस कितना 1, मैं जिसको 24 बाय 18 माइनस y में घटाएंगे इसको 24 बाय 18 माइनस y प्लस y क्या सॉल्व कर लेंगे इसको, तो इसको मैं निकाल दूं, देखिए फास्ट कहीं प्रॉब्लम बोलो, क्वेश्चन में एक मोटर बोट है जिसका स्पीड शांत पानी में कितना दिया हुआ है 9 km/s, मतलब एक्स का मान क्या है 9, यहाँ भी कितना एक्स का मान, ये कितना हो गया 9 प्लस वाई, ये कितना हो गया, मोटर बोट स्टीमर बोट कुछ भी रहे उसके स्पीड को एक्स मानते हैं शांत पानी, उसके बाद ये तो बन गया फॉर्मेट, आपको मानना पड़ेगा यहां में लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी वाई कैम्पियस, क्या क्या लिखोगे, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम को वाई माने ना बी वाई कैम्पियस, ये मान लीजिए, उसके बाद कहोगे देयर फोर अप स्ट्रीम स्पीड कितना हो गया, डाउन स्ट्रीम कर लेंगे ना, देयर फोर अप स्ट्रीम स्पीड डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा, अप स्ट्रीम में कहोगे सर 9 माइनस वाई, डाउन में 9 प्लस वाई, दोनों किस में आएगा km ph, यहां तक सब कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे आओगे वापस। लाइक मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर 9 km/s गोज, गया वो 15 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 15 डाउनस्ट्रीम गया एंड कम्स बैक वापस भी आया उसी स्पॉट पर, लौटने के वक्त में कवर कितना किया 15, पिछला वाला रिटर्न बैक यहां कम बैक, चलिए टाइम टेकन, टाइम यहां दिया हुआ है अच्छा यहाँ टोटल टाइम दिया, टाइम टेकन अपस्ट्रीम और टाइम टेकन डाउनस्ट्रीम दिया हुआ 3 आवर कितना, ये यहाँ क्वेश्चन है, कंपेयर नहीं किया है, यहाँ कह रहा है कि जो इतना टाइम में वो डाउनस्ट्रीम गया और वापस लौट के अपस्ट्रीम में आया, दोनों मिलाकर टाइम कितना लिया, इतना लिया ठीक है, दोनों मिलाकर टाइम प्लस कर दिए, अब अप का मतलब क्या हुआ, टाइम का डिस्टेंस बाइस डिस्टेंस कितना है 15, स्पीड क्या लेंगे 9 माइनस वाई, डिस्टेंस कितना है 15, स्पीड क्या लेंगे 9 प्लस वाई सही है, और यहाँ पर क्या हो 3 घंटा 45 मिनट को आवर में चेंज कीजिए, 3 आवर छोड़िए 45 मिनट को 45/60 करेंगे 15 6 45 15 6 60 तो 4 23 12 3 15/4 सही है, सही है, अरे 3 आवर है प्लस 45 मिनट को 45/60 करेंगे काटेंगे 15 6 15 6 3 प्लस 3/4 को बन जाएगा, हमारा कमेंट कर सॉल्व कर देंगे कर लोगे ठीक है, यहाँ टोटल टाइम दिया हुआ ठीक है, वहां टाइम कंपेयर किया था, कंपेयर किया था प्लस माइनस कर लोगे ना, था ही नहीं मेरे पीछे मैथ का।
लगातार 5 घंटे लगातार कंटिन्यू रन का कंटिन्यू रन लिया हम लगातार एक को सर ही नहीं वो हम ही बचे में सब भी गए में क्वेश्चन नंबर 16 पाइए ए मोटर बोट हुज स्पीड 15 में करा है ए कार मूव्स ए डिस्टेंस ऑफ 2592 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड ध्यान से सुनो एक कार है क्या है एक कार है ये मान लो एक कार है ये कार जो है पहुंचते पहुंचते थोड़ा ठंडा हो गया 2592 किलोमीटर का डिस्टेंस यही नहीं है दिल्ली है मात्र 1400 किलोमीटर यहां से 2592 जम्मू काश्मीर पहुंच गया है ठीक है द नंबर ऑफ आवर्स टेकन फॉर द जर्नी ध्यान देना आपको मेन पॉइंट द नंबर ऑफ आवर्स टेकन फॉर द जर्नी इज 1/2 द नंबर रिप्रेजेंटिंग द स्पीड द नंबर ऑफ आवर टेकन फॉर द जर्नी इज 1/2 द नंबर रिप्रेजेंटिंग द स्पीड इन कैम्पिज इसका स्पीड मान लो आप km x कैम्पिज क्या मान लिया इसको हम लोग लेट यूनिफॉर्म स्पीड बी x कैम्पिज चूंकि क्वेश्चन में निकालने ही कर रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार आप क्वेश्चन फिर सुनोगे फिर मैं पढ़ रहा हूं क्योंकि बार बार सुनाना पड़ेगा द नंबर ऑफ आवर जितना टाइम लिया आवर में द नंबर ऑफ आवर मतलब टाइम द नंबर ऑफ आवर आवर हो गया टाइम जो आवर में है इज हाफ ऑफ द स्पीड स्पीड एक्स मान है ना इसका मतलब तो पहुंचने में टाइम कितना लगा एक्सपर्ट मान लो इसका स्पीड था 100 km/h तो पहुंचने में 50 घंटा लगा 100 का 50 तो स्पीड एक्स है टाइम कितना लिया एक्सपर्ट हुआ बस इतना ही दिया हुआ है और कुछ भी इस क्वेश्चन में दिया गया नहीं बहुत आसान क्वेश्चन है बोर्ड में आया हुआ सवाल है तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या पढ़े हो स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस है 2592 इक्वल टू स्पीड है एक्स टाइम है एक्स बाई टू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे एक्स को मिल जाएगा एक्स का मान 25 2 × 4 18 5 × 5 = 10 11 4 × 5 51 84 के रूप करेंगे एक्स इंटू एक्स स्क्वायर होगा ना मान कितना अच्छा आएगा 72 मतलब 72 km/h का स्पीड हो गया टाइम कितना लगा 72/2 सेम आ गया ना इसमें बस भेज दो तुम प्रोपोजल दे चलो और कौन नहीं होना हम बात आराम से देखो क्वेश्चन नंबर कह रहा है मुंबई से पुणे की दूरी 192 सुनोगे वो बात नहीं मुंबई से पुणे एम फोर मुंबई पी फोर पुणे मिला दिए बन गया एम पी लेकिन मिला नहीं इसको मुंबई से पुणे की दूरी 192 किलोमीटर दी गई ट्रेवलिंग बाय डेक्कन क्यून एक नाम है ट्रेन का डेक्कन क्यून एक ट्रेन है इससे ट्रेवल किया है चलो अच्छी बात है इसमें फिर इट टेक्स 48 मिनट लेस देन अदर ट्रेन डेक्कन क्यू बहुत फास्ट चलता है एकदम मान लो आंसर क्या होगा ये मान लीजिए आपका डेक्कन क्यून है ये मान लीजिए गया हावड़ा पैसेंजर है डेक्कन क्यून है गया हावड़ा पैसेंजर है ना डेक्कन क्यून है मान लो गया हावड़ा पैसेंजर पहुंचने में लिया है टी मिनट तो ये 48 मिनट कम लिया उससे मतलब टी माइनस सही है गया हावड़ा पैसेंजर मुंबई से पुणे पहुंचने में लिया है टी मिनट ये कितना लिया है 45 कम लिया ध्यान देना कैलकुलेट द स्पीड ऑफ डेक्कन क्यून का स्पीड क्या है ये पूछ रहा है इफ द स्पीड ऑफ टू ट्रेन डिफर बाय 20 km/h दोनों के स्पीड में अंतर कितने का 20 km/h इसका स्पीड एक्स मानेंगे तो इसका स्पीड क्या होगा एक्स माइनस 20 एक्स प्लस 20 मत करना ये बढ़ जाएगी फास्ट है खरे पहुंच जाएगी एक्स माइनस 20 बस इतना ही बाबू कुछ दिया हुआ है निकालना क्या है निकालना है हमको स्पीड देखो सिंपल एक्स निकालना है ध्यान दीजिए आप डिस्टेंस उतने है ना डिस्टेंस उतना ही है ध्यान से सुनोगे काफी आसान
टाइम टेकन बाय डेक्कन क्यून, टाइम टेकन बाय गया और पैसेंजर बोल दिए हैं टाइम टेकन बाय ट्रेन, टीटी मतलब क्या हो गया टाइम टेकन बाय अदर ट्रेन, और इस टाइम टेकन बाय व्हाट डेक्कन क्यून, दोनों टाइम में कौन टाइम बड़ा है, तो ये टाइम टेकन बाय एनी ट्रेन, टाइम टेकन बाय डेक्कन क्यून ट्रेन टीडी इज डेक्कन क्यून, टीडी मतलब क्या हो गया डेक्कन क्यून ट्रेन, दोनों में किसने टाइम ज्यादा लिया, इसने इससे कितना टाइम ज्यादा लिया 48 मिनट, अगर हम इसमें जोड़ दें, इसमें जोड़ दें तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा समतुल्य हो जाएगा, सही है, टाइम टेकन बाय अदर ट्रेन मतलब गया हावड़ा पैसेंजर, टाइम का फॉर्मूला क्या पाया और डिस्टेंस, गया हावड़ा पैसेंजर स्पीड क्या है एक्स माइनस 20, सही है, इक्वल टाइम टेकन बाय डेक्कन क्यून डिस्टेंस ये इतना ही चला, स्पीड क्या है उसका एक्स प्लस 48, उस तरफ करो 1200 बन चलोगे, जिसको दोनों एक बात हमें ध्यान रखना, जब कहे कि टाइम इतना इससे अधिक लिया इतना कम लिया उसी को इक्वेट करना उसी से लाना फॉर्मेट, चलिए सबका हो गया क्वेश्चन ना, टाइम टेकन टाइम नहीं प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क एंड पाइप्स एंड सिस्टम, सिस्टम का मतलब टंकी मान लो या कोई बर्तन मान लो, ठीक है कोई टंकी या बर्तन है बड़ा, ठीक है चलो इसका हम एक सिखा रहे हैं क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में भी है और ये हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बोर्ड में कई बार पूछा है खासकर टैब वाले क्वेश्चन, जिसको हम अच्छे से दिखा भी रहे हैं सब ध्यान देना, देखो टू पाइप्स, टू पाइप्स रनिंग, रनिंग में दौड़ नहीं रहा है वो, टू पाइप रनिंग मतलब दोनों पाइप ऑन है, टू पाइप रनिंग टुगेदर कैन फिल ए सिस्टर्न, कैन फिल ए सिस्टर्न इन कितना मिनट, इफ वन पाइप टेक्स 3 मिनट मोर टू फिल देन अदर, फाइंड टाइम इन विच इस पाइप वुड फिल द सिस्टर्न अलोन, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए आप, समय दिया आपको हम एक मिनट का, क्वेश्चन को सही से पढ़ लो, सिस्टर्न का मतलब कोई टंकी हो गया कोई बर्तन हो गया, पाइप को आप समझ लो टैप है, टैप मतलब होता है टूटी ना होता ना वो टैप हो गया पाइप, चलिए शुरू करें फटाफट क्वेश्चन लिखिए और पढ़िए क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए और फास्ट में से पढ़िए, हो गया फिर इसको कमेंट कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन का फॉर्मेट सही से समझ जाओगे दिक्कत क्या नहीं होगा, देखो ध्यान से बहुत बढ़िया ढंग से बता रहे हैं, तो ध्यान देना हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एग्जाम के लिए है, देखो आपके पास टंकियां हैं, एक टंकी मान लो ये है एक टंकी है, टंकी हम दो बनाए समझाने के लिए, लेकिन दोनों टंकी एक ही चीज है, दोनों टंकी का सेम एबिलिटी है वॉल्यूम है, एक पाइप है पाइप जिसको हम नल के रूप में लिए हैं, एक पाइप ये है पाइप मान लो पानी के द्वारा, और एक पाइप मान लो यहां पर भी
तो दोनों पाइप में आपको क्या अंतर दिखाई पड़ रहा है? ये पाइप का माउथ का छोटा है, इसका बड़ा है, मतलब पानी से फास्ट फ्लो करेगा, स्लो फ्लो करेगा। ऐसा क्यों लिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? और ये आंसर, टू पाइप्स रनिंग टुगेदर, या टू टैप, दो नल है, एक साथ चला दिए, कैन फिल, दोनों नल को एक फिर और बनेगा। हम तीन फिगर ड्रॉ कर रहे हैं ताकि आपको दिक्कत समझने में कहीं नहीं। एक बार ये पाइप लगा दिए छोटे माउथ का, एक बार क्या लगा दिए बड़े माउथ का पाइप लगा दिए। ये सिस्टर्न है, ये पाइप वन है पी वन, ये पाइप टू है, ये पाइप वन है, और ये क्या है? समझना, दो पाइप एक साथ अगर एक टंकी में खोल दिए, एक साथ दो नल को टंकी में खोल दिए, टंकी कितने मिनट में भर गया? 3×1/13 मिनट में टंकी डबाडब भर गया। अब कहता है पहला पाइप जो है वो दूसरे पाइप से 3 मिनट ज्यादा लिया, लेगा भी क्यों नहीं, पाइप का माउथ छोटा है, पानी स्लो फ्लो कर रहा है, टंकी लेट से भरेगी। तो पहला पाइप इससे कितना ज्यादा लिया? 3 मिनट लिया। मतलब अगर ये 3 मिनट लिया टंकी भरने में, ये कितना, अगर ये एक्स मिनट लिया, ये कितना लेगा? एक्स प्लस 3 मिनट में टंकी को भरेगा, सही है। इफ लार्जर पाइप फिल द टैंक इन एक्स मिनट, देन स्मॉलर पाइप फिल इन व्हाट? एक्स प्लस 3। पसंद नहीं कर रहा तो मानना पड़ेगा लेट द सेकेंड पाइप, यानी बड़ा पाइप जो है फिल कर रहा है, फिल द सिस्टर्न, सिस्टर्न मीन टंकी हो गया, इन कितना मिनट? एक्स मिनट, एक्स मिनट मान सब कुछ मिनट में रहा हूं, इसीलिए तो फर्स्ट पाइप सिस्टर्न को भरेगा कितने मिनट में? एक्स प्लस 3 मिनट में। कोई प्रॉब्लम सुन नहीं है? ये एग्जाम में स्मॉलर टैप और लार्जर टैप लिखता है, टाइम ओवर का हर क्वेश्चन में आपको प्रायः उलटना पड़ता है, 1 आवर निकालना पड़ता है, ध्यान देना। एक्स प्लस 3 मिनट में टंकी दबा डब ये भर गया, एक्स मिनट में दबा डब ये भर गया, ध्यान देना क्या बोल रहा है। ये फिगर ड्रॉ कर दिए ताकि दिक्कत नहीं हो, फिगर मिटाएंगे भी है। चलो एक मिनट में इन 1 मिनट फर्स्ट पाइप फिल्ड हाउ मच पार्ट ऑफ टैंक। जब एक्स मिनट, एक्स प्लस 3 मिनट में पूरा टंकी भर दिया, ये 1 मिनट में टंकी का कुछ भाग भरेगा, समझो। मान लो बाबू 2 घंटा में टंकी डबाडब भर जाती है आपके घर वाली टंकी, तो बोलिए 1 घंटा में टंकी कितना भाग भरेगा? 2 घंटा में एक टंकी भरा तो 1 घंटा में 1/2 टंकी, मतलब हाफ टंकी भरेगा, भरा बढ़ेगा। एक्स प्लस 3 आवर मिनट में पूरा टंकी भर रहा है, 1 मिनट में कितना बढ़ेगा? 1/s, सही है। कितना पार्ट टंकी का भरा? कितना पार्ट टंकी का भरा, मतलब 1 घंटा में इसने जो पानी गिराया टंकी में, मान इतना भरा, ये कौन भरा? इतना पार्ट भर दिया पाइप वन अकेले, और 1 घंटा में ये कितना बढ़ेगा? इन 1 मिनट सेकेंड पाइप कैन फिल हाउ मच पार्ट? फिल्ड पार्ट, जो पार्ट भरा वो, ठीक है। 1 घंटा में ये गिराया कितना पानी? 1 घंटा में ये पहला वाला गिराया 1/x+3 पानी, 1 घंटा में ये कितना गिराया पानी? कितना पानी? अब दोनों मिल करके 1 घंटा में कितना गिराएगा? दोनों मिल करके टंकी को भर रहा था 43 मिनट में, 1 घंटा में कितना बढ़ेगा वो? 13/ नहीं बढ़ेगा, बस सॉल्व कर लेंगे, चला गया। और इसका भी 1 घंटा में लिए, इसका भी 1 घंटा में लिए, दोनों को जोड़ दिए, दोनों मिल करके 1 घंटा कितना बढ़ेगा? पर टंकी बढ़ता है 3×1/13 मिनट में, 13×39=140, मतलब 40/13 मिनट में एक टंकी बढ़ता है, 1 मिनट में दोनों मिल करके इतना भाव नहीं बढ़ेगा? दोनों मिला पता है प्लस किए, ठीक है। अगर कहता कि एक टंकी भर रहा है एक निकाल रहा है, एक नल ऊपर एक नल नीचे लगाओ, नल निकालने वाला की यहां होता माइनस, उन्हें पढ़ना होगा टेंथ में।